अतिथि अध्यापकों के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने अतिथि शिक्षकों को राहत देते हुए स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे पिछले अकादमिक सत्र के दौरान नियोजित किए गए सभी अतिथि शिक्षकों को स्कूली सेवाओं में शामिल करें। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल बंद होने की वजह से करीब 20,000 अतिथि शिक्षकों के लिए अनिश्चितता बनी हुई है, जिन्हें दैनिक आधार पर वेतन दिया जाता है। शिक्षा निदेशालय के आधिकारिक आदेश में कहा गया, स्कूल के प्रधानाचार्यों को स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ाने और अन्य गतिविधियों जैसे टेली परामर्श एवं अन्य संबंधित कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 21 सितंबर से 50% शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को बुलाने के लिए अधिकृत किया गया था। गौरतलब है कि जुलाई में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षा योजना के तहत फिर से शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसके बाद सभी स्कूलों के प्रमुखों को सभी इच्छुक अतिथि शिक्षकों और संविदा शिक्षकों को जहां ऑनलाइन शिक्षा के लिए जरूरी होने पर नियोजित करने का निर्देश दिया था। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।